खुद शर्मिंदगी है कि ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इकरारुल हसन ने मशहूर एंकर की कॉल लीक कर दी। अहम खबर आपको देते चले, इकरारुल हसन का सोशल मीडिया पर पैगाम और कहा कि जाती तौर पर जानने की वजह से मैं तस्दीक कर सकता हूं कि ये आवाज़ अली आरिफ साहब ही की है। मुझे शर्मिंदगी है कि ऐसे लोग भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं या मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, जहां लोग दो मोबाइल फोन्स पर बिक जाते हैं। सुनिए वो लीक कॉल जिसके मुतालिक इकरारुल हसन कह रहे हैं। वालेकुम अली आरिफ भाई, जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। अच्छा सर, ऐसे है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरा जो आप जो मेरा फोन टूटा है। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है मुझको मेरी? हेलो जी, आ रही आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जो मेरा फोन टूटा है इसके बदले में मुझे एक नहीं दो फोन उनको देने होंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो फोन चाहिए सर? आरिफ भाई सर ठीक है, दो फोन? हेलो सर, आवाज आपको आ रही है मेरी? सर आप क्या, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी आ रही है। दो एस फोन, ये एस क्या नाम है सैमसंग का, एस एट प्लस? नहीं, एस एट प्लस चाहिए? नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, दो आईफोन चाहिए एक्स। दो आईफोन एक्स चाहिए? एक फोन टूटने के बदले में, एक फोन टूटे इसके बदले में दो फोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर दिलवा दूंगा, बेगम हो जाओ, कब चाहिए मैं अभी आपके पास। आईफोन एक्स दो दाने? हाँ हाँ जी। किधर किधर ला कर दूं सर? वो मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा ये कि सुबह ऑनर वो माफी वाला सारा सिलसिला होगा, और कोई जो कानूनी शानूनी जो पेचीदगी है फिर वो मैं सारी साथ आपके वो हल करा दूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि बच्चों का जो मसला है वो आगे बढ़े और सॉल्व की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाह रहा था अली आरिफ भाई, मैं भी यही चाह रहा था। थाने में जो भी बोल रहे हैं मैं उनको बोल दूंगा, बाकी अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई ज्यादती हो रही है तो मुझे आप बता दें। सर सर जितना आप कर सकते हो बस, बस मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, अभी तो अभी भी यही रिक्वेस्ट होगा, जितना आप कर सकते हो करो। मैं ये आप मैंने मैं जितना कर सकता था, मेरी बात सुने, मैं जितना कर सकता था मैंने सोच समझ के किया है, बाकी आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी जुबान की आपकी आने की और आपकी इज्जत की मैंने लाज रखते हुए ये सारी बात की। सर एक एक फोन कर दूं, दो के बजाय एक? क्या हुआ, दो फोन के बजाय एक कर दूं? नहीं सर, वो मैंने मैंने ऑलरेडी सोच समझ के किया है, नहीं मैंने ऑलरेडी सोच समझ के किया है और ये सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। ठीक है सर, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं आपसे रब्ता करता हूँ, मेहरबान। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़।